Sydney, Australia, and this is what happens. उनकी लाश को जो है वो फरसे से काटा जा रहा है और अल्लाह अकबर का नारा लगा करके गर्दनें काटी जा रही हैं, और आप कह रहे हैं कि ये आजादी की लड़ाई है? बच्चियों का बलात्कार करके आजादी मिलती है? ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां पे 2018 में जब भारत का नक्शा छापा जाता है तो उस नक्शे में कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा होता है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरे पाकिस्तान की मूवमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चलाई। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन भारत का विभाजन है। बाकी के अरब देश कंडेम कर रहे हैं हमास को, और चूना भट्टी भोपाल में बैठ के और रामगंज जयपुर में बैठ करके पंचर सटाने वाला अब्दुल कहता है नहीं जी बड़ा गलत हो रहा है, हम तो हमास के साथ खड़े हैं। ये क्लैश ऑफ कंट्रीज नहीं है, ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज नहीं है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। वो अस्पताल से रॉकेट फायर कर सकते हैं लेकिन आप उसका जवाब उस अस्पताल में बम गिरा के नहीं दे सकते। इनके वोट के लिए, इनके 10 वोट के लिए वो रेप को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मास रेप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, गर्दन काटे जाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दुनिया का जो सबसे घटिया किस्म का जो आतंकवाद हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको वो रजिस्टर बनाना है जिस रजिस्टर में इन सारे लोगों के नाम होने चाहिए, इनके पते होने चाहिए, इनकी एक्टिविटीज होनी चाहिए। जो हमास को समर्थन देते हैं बीमार हैं वो लोग, जो कहते नहीं ये स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट नहीं है, ये पोटेंशियल टेररिस्ट है सारे के सारे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन्ड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीओ न्यूज़। वैभव, हमास ने इसराइल पर अटैक किया, इसराइल ने हमास पर अटैक किया है। अब इस समय गाजा, जो गाजा पट्टी है पूरा, उसको पूरा ब्लॉक करके उन्होंने राशन पानी बिजली सब बंद कर दिया है। दुनिया दो भागों में बटी हुई है, या तो आप प्रो इसराइल हैं या तो प्रो फिलिस्तीन है। इंडिया में भी कुछ धड़ा ऐसा है आप देखेंगे जो प्रो इसराइल बात कर रहा है, गवर्नमेंट हालांकि इसराइल के सपोर्ट में है, और एक धड़ा ऐसा है जो कि प्रो फिलिस्तीन बात कर रहा है। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, प्रो फिलिस्तीन नहीं है, वो प्रो हमास रैली निकाल रहे हैं। वो तो फिलिस्तीन का झंडा लेकर चल रहे हैं। फिलिस्तीन का झंडा लेने, ये वही बात हो गई कि शाहीन बाग में लोग भारत का झंडा लेकर के शर्जील इमाम जैसे लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, वो कहते हैं कि चिकन नेक को ब्लॉक कर दिया जाए, वहां पे इतना मवाद डाला जाए कि भारत का जो मेन लैंड इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट से कट के अलग हो जाए। भारतीय सेना का जो एक्सेस है, जो थल सेना है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो नॉर्थ ईस्ट ना जा पाए, क्योंकि अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो जो बाकी का पूरा भारत है वो नॉर्थ ईस्ट से जो कनेक्टेड है उसमें एक बहुत पतला सा लैंड एरिया आता है जहां से वो कनेक्ट होता है, उसको चिकन नेक कहते हैं। और चाइना उसको चिकन नेक बोलता है कि अगर हमने इसको काट दिया तो भारत जो है पूरे जो पूर्वोत्तर भारत है उससे कट के अलग हो जाएगा। तो ये बात वही है कि भारत का झंडा लगा करके भारत को तोड़ने की बात करना, फिलिस्तीन का झंडा लेकर के हमास के समर्थन में रैली निकालना। हमास एक आतंकवादी संगठन है, इस बात पे हर किसी को एग्री कर लेना चाहिए। एक वो आतंकवादी संगठन है या आप मुझे एक चीज, मुझे जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं वो बताएं, या कोई भी दुनिया में एक इंसान जो खुद को न्यूट्रल कहता हो वो मुझे बताए, वो इसराइल में घुस करके इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं, औरतों का बलात्कार कर रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं, सोते हुए लोगों को गोलियां मार रहे हैं, थाईलैंड और नेपाल से गए हुए जो वर्कर जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं, जो वहां पे अपना रोजगार कर रहे हैं, उनकी लाश को जो है वो फरसे से काटा जा रहा है और अल्लाह अकबर का नारा लगा करके गर्दनें काटी जा रही हैं, और आप कह रहे हैं कि ये आजादी की लड़ाई है? बच्चियों का बलात्कार करके आजादी मिलती है? नहीं, वीडियोस तो ऐसे आ रहे हैं जिसको आप देख भी नहीं सकते, तो आप मुझे बताएं, नहीं मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या भारत ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, इंडियन नेशनल आर्मी ने लड़ाई लड़ी थी, तो क्या वो इस तरह से लड़ाई लड़ी गई थी? दुनिया में जो बाकी जो सभ्य समाज है क्या इस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ता है? बच्चियों को किडनैप करके,
उनको मार करके उनकी नंगी लाशें जो है वो सड़क पर परेड करके, ये वही 1400 साल पुरानी जो विचारधारा है जिहाद की, इस्लामिक जिहाद की, ये उस विचारधारा का परिणाम है। अगर आप हमास का स्टेटमेंट देखेंगे, हमास जो है वो बाकी अरब देशों को जो है वो मॉक कर रहा है। हमास कह रहा है कि ये सारे जो नपुंसक हो बैठे हैं, ये यूएई वाले, ये कतर वाले, ये कुवैत वाले, जो कि इसराइल के साथ अपने रिश्ते जो है वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उनको सामान्य कर रहे हैं, उनकी अपने यहाँ पे दूतावास खोल रहे हैं, हमने उनको बताया है कि इसराइल जो है वो अजेय नहीं है, और ये भूल गए होंगे इस्लाम को, ये भूल गए होंगे जिहाद को, हम नहीं भूले और हम करके दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं करके। किसी को क्यों आश्चर्य हो रहा है भाई, इतनी ज्यादा मात्रा में हथियार कहाँ से मिल रहा है इनको? देखिए, इसमें बहुत सारा हथियार वो है जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया था। जब आप अफगानिस्तान में आप हथियार छोड़ के जा रहे हैं और अफगानिस्तान के आपने सारे अकाउंट सीज कर दिए, क्योंकि वहां पे तालिबानी गवर्नमेंट आ गई, तो वहां के जो लोगों के पैसे थे जो बाहर जमा थे या जो अमेरिकन बैंक्स में थे, जो बॉन्ड्स के रूप में थे और बाकी इन्वेस्टमेंट के रूप में थे, वो सारे पैसे आपने फ्रीज कर दिए। अफगानिस्तान के बैंकों को, दुनिया भर के बैंकों के जो बैंकिंग सिस्टम था, आपने उससे कट कर दिया। तो तालिबान या जो तालिबान के जो फुट सोल्जर्स थे या अफगानिस्तान के बाकी लोग थे जिनको वो बड़े बड़े कैशेज मिले इन हथियारों के, इन बॉम्ब्स के, इन बाकी यूएस डॉलर्स के कैश के, वो क्या करेंगे? हैंड ग्रेनेड तो नहीं खाएंगे ना। खाने के लिए तो पैसा चाहिए, दुनिया के साथ ट्रेड करना उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? उन्होंने उठा करके वो हथियार बेचने शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान में अगर आप देखें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने बहुत सारा वो हथियार खरीदा, बहुत सारे और जो दुनिया भर के जो इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी हमास की जैसी, वो विंडो शॉपिंग पे निकल गई अफगानिस्तान, वहाँ से उन्होंने लार्ज चंक्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो अमेरिकन मेड थे वो खरीदे। और देखिए, जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चलता ही इसी बेस पे है। दुनिया में जितने हथियार जाएंगे, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी होंगी, जितने ज्यादा उपद्रव मचेंगे, जहां जहां दुनिया में जितना ज्यादा आतंकवाद फैलेगा, उससे बचाव के लिए दुनिया को उतने ज्यादा हथियार की जरूरत पड़ेगी, उससे भी बेहतर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, उससे भी बेहतर बॉम्ब्स की, स्मार्ट बॉम्ब्स की, फाइटर जेट्स की, अटैक हेलीकॉप्टर्स की, इन सब की जरूरत पड़ेगी लोगों को। तो वो कौन बेचता है? वो यही अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बेचता है, यही नाटो के जो बाकी एलाइज हैं यूरोपियन यूनियन वाले, ये बेचते हैं। तो फिर वो आएंगे हमारे पास खरीदने, तो ये तरीका होता है। मैं आपको ये खैर एक जियोपॉलिटिकल डिस्कशन है, हम इसमें घुसेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। मैं आपका वीडियो देख रहा था, तो आप वीडियो में ये कह रहे थे कि हमास की सफलता कम है, इसराइल की इंटेल फेलियर ज्यादा है। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं डिनाई कर सकता कि मोसाद का इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर है तभी तो एक एक्ट ऑफ सरप्राइज जो होता है, क्योंकि एक महीना पहले उन्होंने कहा कि अभी हमास कोई वार के मूड में नहीं है। वही कह रहा हूँ, उनका एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका इंटेलिजेंस फेलियर है ये एक एकेडमिक डिस्कशन है। इसके ऊपर मैं और आप और दुनिया भर के जो थिंक टैंक में बैठे हुए लोग हैं वो सिंगल मॉल्ट पी करके बैठ करके वो एकेडमिक डिस्कशन कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। मुद्दा ये है कि भारत में आज की डेट में हमास के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रैली निकाली जा रही है जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो आज भी लगी हुई है, और इतने विरोध के बाद भी नहीं हटाई गई। हिंसा कर ली, लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया, दंगे हो गए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो नहीं हटाई उन्होंने। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां पे शर्जील इमाम जैसे लोग पढ़ के निकलते हैं। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां से पीएचडी के स्टूडेंट निकल करके हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करते हैं। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां पे 2018 में जब भारत का नक्शा छापा जाता है तो उस नक्शे में कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा होता है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता है। तो उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर, जिसपे इस सरकार को ताला मार देना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरे पाकिस्तान की मूवमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चलाई। पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था, पाकिस्तान का जन्म आज के पाकिस्तान में नहीं हुआ था। उस यूनिवर्सिटी को पिछले 75 साल से भारत की सरकार जो है वो चलने दे रही है। तो बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगले 75 साल में फिर एक और पाकिस्तान बनाएगी, तैयार रहिए। उसके ट्रेलर निकल रहे हैं, ये उसके टीजर्स निकल रहे हैं।
शर्जील इमाम जैसे लोग, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी, कहते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन भारत का विभाजन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा सबसे फेमस एग्जाम्पल है, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है उनकी, वो भारत का पार्टीशन है, और कोई अचीवमेंट नहीं है इनकी। आप मुझे कहते हैं ना कि यहाँ वहाँ की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। ये यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। अरब देशों में बैठे हुए लोग, यूएई कंडेम कर रहा है हमास को, यूनाइटेड अरब एमिरात, यूएई कंडेम कर रहा है, बाकी के अरब देश कंडेम कर रहे हैं हमास को। और चूना भट्टी भोपाल में बैठ के और रामगंज जयपुर में बैठ करके पंचर सटाने वाला अब्दुल कहता है, नहीं जी बड़ा गलत हो रहा है, हम तो हमास के साथ खड़े। जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसे लोगों को, ऐसे थग्स को, ऐसे गुंडों को आप देंगे, और मैं तो ये बात आज की डेट में खुलेआम कहता हूं कि ये जितने भी लोग रैली निकाल रहे हैं हमास के समर्थन में इस देश के किसी भी जगह पे, अलीगढ़ में हो, केरल में हो, कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, जहां भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को और LIU को, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं लोकल पुलिस डिपार्टमेंट की, इनको हर एक इन बंदों का प्रोफाइलिंग करनी चाहिए, इनका नाम, इनकी फोटोग्राफ, ये कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, इसकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे पोटेंशियल आतंकवादी हैं। ये वो लोग हैं जो अगर इनको मौका दिया गया, या अगर वो हमास को आइडलाइज कर रहा है, हमास की वकालत कर रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी कल अगर उसको मौका मिलेगा तो वो हमास की तरह वही आतंकवादी घटनाएं नहीं करेगा जो हमास कर रहा है? आपने वो इमेजेस देखी हैं जो इसराइल में हो रही हैं? चार चार साल की बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं अल्लाह अकबर के नारे लगा करके, और उनको सपोर्ट करने वाले लोग हमारे इस देश में रह रहे हैं। और ये जो इंडी अलायंस है, इस देश का जो अपोजिशन का अलायंस है, इसके मुंह में दही क्यों जमी हुई है कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राहुल गांधी क्यों नहीं स्टेटमेंट दी अभी तक? इंडी अलायंस का कोई भी मेंबर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी ने कंडेम नहीं किया हमास को। भारत के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दे दी, भारत के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि नहीं, हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और जो ये आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं ये कंडेमनेबल हैं। राहुल गांधी की मुंह से आवाज नहीं निकल रही, शर्म आती है हमास को कंडेम करने में, वोट बैंक खिसक जाएगा। अगर आपका वोट बैंक, यानी आप मान रहे हैं कि आपका वोट बैंक जो है वो इन आतंकवादियों को समर्थन करता है, और अगर इन आतंकवादियों को, इन निर्मम बर्बर जानवरों को अगर सपोर्ट करने वाले अगर आपके वोटर हैं, तो आपके ऊपर भी लालत है, आपको भी शर्म से डूब मरना चाहिए चूल्हों भर पानी में। आपको तो खड़े होकर कहना चाहिए कि ऐसे लोग जो इस तरह की विचारधारा को, इस तरह की हिंसा को सपोर्ट करते हैं, मुझे ऐसे लोगों का एक वोट नहीं चाहिए, इस तरह के विचारधारा रखने वालों का मुझे वोट छोड़ो, मुझे इनका कोई सपोर्ट भी नहीं चाहिए। आप उनका वोट लेने के लिए आप इस तरह की आतंकवाद को आप कंडेम नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के आतंकवाद को कंडेम नहीं कर रहे हैं, तो आप इस तरह के आतंकवाद को अपने देश में, अपने समाज में न्योता दे रहे हैं। इस तरह की विचारधारा कभी भी राष्ट्रीय बाउंड्रीज में बंद के नहीं रहती, वो ट्रैवल करती है, हजारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करती है। इजिप्ट में बैठा हुआ मुस्लिम ब्रदरहुड पूरे मिडिल ईस्ट को निकल गया। बेसिकली कल्चरल आइडेंटिटीज को वो रिकॉग्नाइज करते हैं। भाई कल्चरल आइडेंटिटीज भी नहीं है, ये रिलीजियस आइडेंटिटी है, ये क्लैश ऑफ कंट्रीज नहीं है, ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज नहीं है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। आपको निर्धारित करना है आप कौन सी सभ्यता के साथ खड़े हैं। आप उस सभ्यता के साथ खड़े हैं जो बच्चों को किडनैप करने में, उनका रेप करने में, माताओं और बहनों की इज्जत लूटने में बिलीव करता है? आपको इस विचारधारा के साथ खड़ा होना है जहां पे वॉर के भी कुछ नियम कानून होते हैं, युद्ध के भी कुछ नियम कानून होते हैं? आप कौन सी सभ्यता के साथ खड़े होंगे? तो इस जो इंडी अलायंस है, इसने उस सभ्यता के साथ खड़ा होना मंजूर किया है कि नहीं, हम इस सभ्यता के साथ नहीं खड़े होंगे, हम उस सभ्यता के साथ खड़े होंगे। तो क्या वैभव ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या कि इंडियन मुजाहिदीन या जैसे मोहम्मद के लोग पैराग्लाइड्स उतर रहे हैं वो कश्मीर में आ गए, इस तरह से पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? देखिए होने को तो बिल्कुल हो सकती है, ये आखिर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ना। अगर आपने वो वीडियोज देखे हो, हैंड गाइडेड पैराग्लाइडर जो है वो आ रहे हैं ऊपर से और बॉम्बिंग कर रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं इसराइल के अंदर। ड्रोन्स का, जिन ड्रोन्स का उपयोग फोटोग्राफ्स लेने के लिए और वीडियो बनाने के लिए होता है, उन ड्रोन्स के थ्रू हैंड ग्रेनेड और बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं।
तो ये बड़ा इकोनॉमिक, बड़ा सस्ता और बड़ा आसान तरीका है आतंकवाद फैलाने का, मेहम क्रिएट करने का। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी भी आप देखें तो क्या भारत के पंजाब में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल ड्रग्स गिराने के लिए नहीं हो रहा? होता रहा है। अगर उसे ड्रग्स गिराए जा सकते हैं 2 किलो 3 किलो 4 किलो, तो 4 किलो का आईडी क्यों नहीं गिराया जा सकता? 4 किलो आईडीएक्स क्यों नहीं गिराया जा सकता? बिल्कुल गिराया जा सकता है। तो भारत के लिए भी एक सिक्योरिटी थ्रेट होगा। बिल्कुल होगा। और मुझे चिंता इसी बात की है, देखिए आईडीएफ जो है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज, वो बहुत मजबूत है और इस पूरे युद्ध का जो आउटकम है वो सबको पता है। मैंने जिस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उसी दिन मैंने ट्वीट किया था कि इसका आउटकम सबको पता है कि ये युद्ध जीतेगा इसराइल ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट और डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, आउटकम एवरीबडी इज अवेयर। इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इसके जो रिपरकशंस होंगे, इससे जो मैसेज निकल रहा है वो मैसेज क्या है, उसका इफेक्ट क्या होगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने मजहब का इस्तेमाल करके एक सुपर पावर को हराया, सोवियत यूनियन को, और सोवियत यूनियन टूट गया। फिर 10 साल बाद 15 साल बाद उसी तालिबान ने फिर मजहब का इस्तेमाल करके अपने से 100 गुना बड़ी ताकत अमेरिका को अफगानिस्तान में हरा दिया। और फिर उसी मजहब का इस्तेमाल करके हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन, आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस जैसे माइटी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल चकमा देते हुए, कहते ना घर में घुस के मारा है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद इट, ये लड़ाई गाजा पट्टी में नहीं हो रही है, ये लड़ाई जो है वो इसराइल की टेरिटरी के अंदर हुई है। तो हमास जो है वो इसराइल के घर में घुस करके उसने ये गेम खेला है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। हमेशा ये होता था कि हमास रॉकेट्स फायर करता था अपनी टेरिटरी से, आयरन डोम जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, वो उसको इंटरसेप्ट करता था उन मिसाइल्स को, और फिर इसराइल रिटेलिएट करता था अपनी एयर स्ट्राइक्स के थ्रू, घुसता था और जाता था, बॉम्बिंग करता था गाजा के अलग अलग एरियाज में जहां उनको लगता था कि यहाँ पे आतंकवादी रहते हैं या इनका हेडक्वार्टर है, और फिर उसके ऊपर कैजुअल्टीज होती थी जिसपे ह्यूमन राइट्स और विक्टिम कार्ड खेला जाता था कि देखिए इन्होंने अस्पताल में जो है बॉम्बिंग कर दी। वो अस्पताल से रॉकेट फायर कर सकते हैं लेकिन आप उसका जवाब उस अस्पताल में बम गिरा के नहीं दे सकते। और वो जानबूझ करके हमास वाले हमेशा से ये उनकी उनका एक टेक्निक रहा है, उनका मोडस ऑपरेंडी रहा है कि उन्होंने हमेशा स्कूल्स को और हॉस्पिटल्स को चूज किया है एज अ प्रिफर्ड प्लेस कि यहाँ से हमले किए जाएं, ताकि जब रिटेलिएशन यहाँ पे आए तो उसमें कैजुअल्टीज हों और दुनिया भर में एक नैरेटिव बनेगा कि जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने अस्पताल में बॉम्बिंग कर दी, स्कूल पर बॉम्ब कर दिया और स्कूल में 50 बच्चे मर गए, 60 बच्चे मर गए और एक ह्यूमन राइट्स का मेहम क्रिएट हो दुनिया में। तालिबान उधर सपोर्ट करने को कह रहा है और पूरे अफगानिस्तान में इतना भयंकर अर्थक्वेक आया हुआ है, लगभग 2,500-3,000 लोग उसमें मर गए हैं, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा तालिबान। नहीं, तालिबान का नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तालिबान वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। सब हर देश अपना युद्ध खुद लड़ते हैं, इसराइल अपना युद्ध खुद लड़ रहा है। अगर आपने आज का जो इंडिया में जो इसराइल के एम्बेसडर, आप उनका स्टेटमेंट, नोअर गिलन मेरे ख्याल से उनका नाम है, उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि भाई हमको दुनिया में किसी देश की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है कि अमेरिका हमको सप्लाईज दे रहा है आर्म्स और एम्यूनेशन की, हमको हथियार दे रहा है, लेकिन वो हथियार वो ऐसे हथियार हैं जो हम जॉइंटली मैन्युफैक्चर करते हैं, जॉइंटली क्रिएट करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हमने साथ में क्रिएट की है। तो अमेरिका भी हमें कोई फेवर नहीं दे रहा है और हमको दुनिया में किसी भी देश की जरूरत नहीं है। इसराइल ने अपना युद्ध हमेशा खुद लड़ा है और हम ये युद्ध भी खुद लड़ेंगे और आने वाले भविष्य में जो युद्ध है वो भी हम खुद लड़ेंगे अपने युद्ध। हमें दुनिया में किसी भी देश की कोई सहायता की जरूरत नहीं है। ये होते हैं एक स्वाभिमानी राष्ट्र जिनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आत्मसम्मान होता है, वो इस तरह से बात करते हैं। तो अगर वो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि भाई वो खुद लड़ सकते हैं, तो उनको पता है कि हम ये लड़ सकते हैं और इनको हरा सकते हैं। लेकिन इससे हम जो हम बात कर रहे थे, इससे कहीं भी ये बात अंडरमाइन नहीं होती कि हमास ने एक ऐसा काम किया जो पहले कभी नहीं किया था। यानी कम से कम पिछले 20-25 साल में ऐसा उनकी हिम्मत नहीं थी करने की कि इस मैसिव स्केल पे एक मिलिट्री एक्शन लिया जाए, एक आतंकवादी हमला इस स्केल का और इतना डाइवर्सिफाइड, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो रहा है, बर्बरता का भी प्रयोग हो रहा है और प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई गई है। और ये आप उनका ऑपरेशन देखेंगे तो लगेगा कि हाँ किसी वॉर रूम में बैठ करके पेपर पेन के थ्रू ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई और CIA और मोसाद जैसी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि इनविंसिबल मानी जाती हैं कि भाई उनको तो सब कुछ ही मालूम होता है, उनसे तो छुपके आप कुछ कर ही नहीं सकते, उनको भी बीट कर देना
सीक्रेसी मेंटेन कर ले जाना इस मैसिव स्केल के इन्वेजन को, ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। अगर आपको याद हो तो रशिया का भी जो इन्वेजन था यूक्रेन का, उसको भी CIA ने और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्रियम्प्ट कर लिया था, बट इसको नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जैसे कि एक ब्रूटल मैनर में किसी को मारना, अल्लाह अल्लाह अकबर का नाम लेके उसका उसको वीडियो रिकॉर्ड करना, शूट करके फिर उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए यही चिंता का विषय है। नुपुर शर्मा के केस में आप देख लीजिए कि जो कन्हैया लाल जिन्होंने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी, उनको मारने के बाद जो उनके दोनों मर्डरर्स थे जो आतंकी थे, उन्होंने चाकू के साथ वीडियो बनाया था अपना, वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल उसको फ्लॉन्ट कर रहे थे वो। ये चिंता का विषय है संदीप, चिंता का नहीं बहुत ज्यादा चिंता का विषय है ये। यही सेम काम वहां पे जो हमास वाले हैं इसराइल में वो कर रहे हैं, वो भी लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, बच्चों की गर्दनें काट रहे हैं, बच्चों की गर्दनें काट करके आम इंसानों की गर्दनें काट करके अल्लाह अकबर का नारा लगाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। जर्मनी से आई हुई एक टूरिस्ट जिसका इसराइल से कोई लेना देना नहीं था, वो एक टूरिस्ट थी, उसको मार करके नंगा करके घुमाया गया। कोई म्यूजिक फेस्टिवल था, वहां से सभी लड़कियों को उठा के उनको रेप किया गया, फिर उनको मारा गया। इस तरह का ट्रेंड है, मास रेप्स हुए वहां पे, मास रेप्स हो रहे हैं, और इंडिया में लोग खड़े होकर के रैलियां निकाल रहे हैं हमास के समर्थन में। आप सोचें, और ये जो लोग वोट देते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो आज हमास के खिलाफ नहीं बात कर रहे, क्योंकि उनको इन जैसे लोगों का वोट चाहिए जो हमास के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, इनके वोट के लिए, इनके 10 वोट के लिए वो रेप को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मास रेप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, गर्दन काटे जाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दुनिया का जो सबसे घटिया किस्म का जो आतंकवाद हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं अपनी खामोशी से। और अगर आप इन जैसे लोगों को वोट देते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं जो आज से खिलाफ नहीं बोल रही मास के खिलाफ और इनके आतंकवाद के खिलाफ, इनके बलात्कार के खिलाफ, इनकी हत्याओं के खिलाफ, तो आप तैयार रहिए, एक दिन आएगा कि जो आज उनके समर्थन में यहां रैली निकाल रहे हैं वो वही सारी हरकतें आपकी बहू बेटियों के साथ भी करेंगे इस देश के अंदर, और आप बैठ के मुंह देखेंगे और आपके पास अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तैयार रहे इसके लिए। तो क्या वैभव आपको लगता नहीं कि CAA और जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है इसको इमीडिएटली लागू करना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट? मैं कह रहा हूँ नेशनल नहीं, आप पॉपुलेशन रजिस्टर बना लीजिए, आप सब कुछ बना लीजिए, इस विचारधारा का क्या करेंगे? मैं कहता हूं अगर आपके देश के अपने अगर ऐसे लाखों करोड़ों लोग नागरिक आपके यहाँ अपने यहाँ खुद के यहाँ बैठे हैं, जो आपके नागरिक हैं वो बांग्लादेशी नहीं भी हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं इसको, वो सपोर्ट करते हैं इस बर्बरता को, वो सपोर्ट करते हैं हमास को, तो ये रजिस्टर बना के क्या करेंगे? चाटिए बैठ के उस रजिस्टर को, उस विचारधारा को, आपको उस विचारधारा को मारना पड़ेगा, आपको वो प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, आपको दूसरा रजिस्टर बनाना है, आपको वो रजिस्टर बनाना है जिस रजिस्टर में इन सारे लोगों के नाम होने चाहिए, इनके पते होने चाहिए, इनकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, जो हमास को समर्थन देते हैं, जो जब तालिबान अफगानिस्तान में टेक ओवर करता है तो इस बात पे अफसोस नहीं करते कि भारत ने जो है अरबों डॉलर लगा करके अफगानिस्तान को एक स्टेबल राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था, वो इस बात पर अफसोस नहीं करते कि भारत की वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। भारत के सैकड़ों इंजीनियर्स, सैकड़ों लेबर्स को तालिबान वालों ने वहां पे हत्या करके मार डाला, जो कि अफगानिस्तान के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे थे, वहां सड़कें बना रहे थे, वहां डैम्स बना रहे थे, वहां अस्पताल बना रहे थे, वहां स्कूल और कॉलेज बना रहे थे, वहां यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, उनको सिर्फ ये विकास कार्य करने के लिए मार दिया गया अफगानिस्तान में। उसके लिए अफसोस नहीं किया इन्होंने कि उनकी आत्माओं पर क्या गुजर रही होगी, इन्होंने सेलिब्रेट किया। आरफा खानम शेरवानी जैसे पत्रकारों ने और इनके जैसे आरजे साइमा और इसके तरफ बहुत सारे इंडिया में हैं जो सेलिब्रिटी हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, आरजेज हैं, स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, थिंक टैंकर्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े टर्म्स होते हैं इनके, इन्होंने सेलिब्रेट किया उस चीज़ को कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया। और उनका क्या, जो सैकड़ों भारतीय अफगानिस्तान के विकास कार्य में निर्माण करते हुए जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए और इन्हीं तालिबान वालों ने मारा उनको, इसी हकानी नेटवर्क के लोगों ने मारा, इनके खुद के फोटोग्राफर को मार दिया। तो आप सोचे कि आप, आपको रजिस्टर इन लोगों के बनाने हैं कि ये कहां से पैसे खा रहे हैं, ये कितने घातक हैं इस देश के लिए,
एक पिन ड्रॉप साइलेंस है पूरा का पूरा। लेफ्ट विंग मीडिया एकदम चुप है, कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बन रहा है। कैसे बनाएंगे आप मुझे बताएं? इस हिंसा को सपोर्ट दे नहीं सकते। इस हिंसा को हमास जो मास रेप्स कर रही है, लोगों की गर्दनें काट रहे हैं फरसे से। एक थाईलैंड का बेचारा वर्कर 10-15 हज़ार की नौकरी करता होगा, मरी हुई उसकी लाश पड़ी है, उस अल्लाह ऊपर बोल के उसकी गर्दन काट रहे हैं फरसे से। नहीं कट रही है तो मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कैसे भी कट जाए इसकी गर्दन। या उस थाईलैंड ने वाले व्यक्ति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो नौकरी कर रहा है वहां जाके, वो तो अपना देश छोड़ कर गया हुआ है वहां। लेकिन विचारधारा वही है, विचारधारा वहां पे बैठे हुए उस गर्दन काटने वाले की भी वही है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो रैली निकाल रहे हैं उनके समर्थन में उनकी विचारधारा वही है। विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। और किसी को भी गलत फहमी है कि अगर उनकी विचारधारा में कोई अंतर है तो उन्हें अपना दिमागी चेकअप कराना चाहिए। बीमार हैं वो लोग जो कहते नहीं ये स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट नहीं है, ये पोटेंशियल टेररिस्ट है सारे के सारे, इनको मौका नहीं मिल रहा। ये वो टेररिस्ट हैं जिनको टेररिस्ट बनने का मौका नहीं मिल रहा है।